बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे किताब अलअसासी, पीडीएफ के ऊपर है पेज नंबर 62। जी तहमीना साहिबा, ये सवाल पढ़ना शुरू करें। कौन बनाओ जुमल तामता पूरे जुमले में मजमुआतिल कलिमतिल आतिया नीचे दिए गए मजमू कलमे की मजमुआत। जी बुनाई, पहले चार का बनाए आप। कमाल यशरब शाय, कमाल चाय पी रहा है। ठीक। मत अमल फंदुक फी अव्वल दौर। फी दौर अव्वल, ठीक है, फी अव्वल दौर सही है। होटल का रेस्टोरेंट जो है तो वो पहली मंजिल है। ठीक है। अलकल बता तत्वा विला ठीक कुत्ता मेज के नीचे है। ठीक अलहाउज फिल हाउजी डोल जो है तो वो हाउस में है। ठीक है जी। आसिया जी अत्ताविला नहीं, अलकित अलकित अत्ताविला फोक फोक मी गलत जुमला। सुपर फोक मायने जो है तो ऊपर अत्ताविला टेबल तो अलकित फोक फोक अत्ताविला ठीक, मतलब जो जो बिल्ली है वो मेज के ऊपर है। ठीक, आगे अलतावला कायम कायमतु ताम। जी तमिना, ये सही है या गलत है? काय मतलब तो आम वाले तो आ गए। ठीक है। आसिया, इसका मतलब बताएं। जो लिस्ट है खाने का वो मेज पर है। जी, जो खाने का मेन्यू है वो मेज पर है। आगे आम खाना शेर जूस, ये शेर जूस सेल का प्राइस प्राइस सॉरी प्राइस वो तो दूसरे है सीर। ठीक है, आप जुमला बनाए। फिल कायमा अतआम तआम सीर पहले इसका इन चारों लफ्जों का उर्दू में मतलब बताएं और फिर उर्दू में अतआम जुमला बनाएं। खाना सीर प्राइस फिलकाई मालिस्ट में आप इसका उर्दू में जुमला बनाएं इन चार लफ्जों की मदद से। जो जो खाने का जो प्राइस है लिस्ट वो लिस्ट में है। ठीक है, जो खाने की प्राइस है वो लिस्ट में है, सही है। अब इसकी अरबी करें। फिलकाई मदद काम सेरत तो आम फिलकाइमा। ठीक है, सेरो ताम फिलकाइमा सही है। यूसुफ आमिल मतम यशकुर यखरुजवा यशकुर यूसुफ आमिल ताम व यखरुज। ठीक है, मतलब जो यूसुफ था शुक्रिया अदा किया जो वेटर था और बाहर गया। ठीक है, उसने शुक्र अदा कर रहा है वेटर का और बाहर चला गया, बाहर जा रहा है। ठीक है। मौज़ अल्फाकिहा व बुर्तकाल मौज़ व बुर्तकाल अल्फाकिहा मौज़ व बुर्तकाल। ठीक है, मतलब सर ये आनिया एक जी मौज बनाना और फाकेहा फ्रूट बनाना और ऑरेंज
फ्रूट हैं। ठीक है, एक मिनट रुकें ज़रा, मैं इसको शामिल करूँ, एक मिनट रुकें। जी आनिया साहब, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, अब हम अगला पेज पढ़ें। आज पेज नंबर 62, वो जो अगला सवाल था वो हमने शुरू कर दिया। आप अभी इसको गौर से सुने, फिर आपने ये सारे जुमले बनाने। जी आसिया, जुमले बनाएं। ये असीर जूस खूब्स रोटी जुम जेम मक्खन, मक्खन मुरब्बा मुरब्बा जैम, मुरब्बा मुरब्बा का मतलब है जैम। अच्छा जेम वल फुतूर और सुबह नाश्ता, नाश्ता तो असीर खूब्स जुम मुरब्बा जहाँ क्या जुमला होगा फिर? के सुबह के नाश्ते में जूस और खूब जुब मुरब्बा जो है ठीक वो है, तो अलफतूर से शुरू करेंगे और सारी चीज़ें डाल देंगे। अलफतूरु असीरु व खुब्जु व जुब्दु व मुरब्बा, इस जुमला बनाना है। ठीक है जी आनिया साहबा, अब आप सारे जुमले बनाएं। नंबर 62 पे जो वो पढ़ जी, रहे हैं पेज नंबर सिक्सटी टू 60 पेज नंबर 62 है, और तदरीब राबिया है, कविन जुमलन तामा मिन मजमुआत कलिमात आतिया। नीचे दिए गए जो अल्फाज, इनकी मदद से जुमले बनाएं। अच्छा, ये तीन लफ्ज़ हैं, अशाई, कमाल, यशरूब, तो हम जुमला बना देंगे। कमाल यशरूबु अशाई, कमाल चाय पी रहा है। कोशिश करें, जहाँ मसला होगा हम हेल्प करेंगे। चलें आसिया, आप एक दो कमाल ओ एक दो इन सब का जुमला बनाएं दोबारा, फिर यानी बनाएंगी। अशय कमाल ये शुभ तो कमाल ये शुभ शय ठीक है, मतलब जी कमाल जी वो चाय पी रहा है अलफुंदक अवल अवल मतम फिदौर गलत हाँ नहीं वो जुमला तो नहीं बनाया ना बनाए फिर जुमला। अभी फिल फुंदक होटल में एक मिनट, तमीना साहब आप इनको पढ़ाएं, मतम अवल मैं इधर आता हूँ, कोई बुला रहा है। फिल फुंदक मतम अवल मतमल फुंदुक अच्छा फिल फुंद सो मतम पहले मतम मतमल फुंदुक मतम अलफुंदक في أول دور جو ہوتل ہے وہ پہلے منزل میں ہے ہوتل کا ریسٹورنٹ ریسٹورنٹ تخت تاویل تاویل الکلب جو کتا ہے وہ میز کے نیچے ہے الکلب تخت تاویل او فی دل دی دی سے مطلب دی فی دل الہوز دل ڈول اور ہوز تالاب ڈور اور تالاب ڈول
डोल डोल क्या होता है? कहते हैं बाल्टी, डोल बाल्टी को नहीं कहते, बाल्टी या डोल। चलो अच्छा बाल्टी तालाब, हाँ तो फिल हो नहीं, अल्दोल फिल, फिल हाउस। अदलवो फिल हाउस, अदलवो और तो फिल फिक हाउस तालाब। हाउस तो वो सिंक को नहीं कहते, ऐसा तालाब को भी कहते हैं। ठीक है। फोक अलकिता, अलकिता अतावला, अलकिता फोक अलकिता अतावला फोक अलकिता तो फोक फोक अतावला, فوق الطاولة، الطاولة على الطعام قائمة، الطعام غلط. قائمة في الطعام، قائمة غلط. سير الطعام في القائمة. इससे ऊपर वाला है सर। नहीं सर ये नहीं है, अच्छा वो इससे ऊपर वाला कायम। ठीक है ठीक है, कायम तो ताम वाला ताबूला, कायम तो ताम वाला ताबूला। ठीक है, जी आगे जी अतवाम सिर फिल कायमा, في القائمة سير أطعام، أطعام سير في القائمة الاسم أطعام، سير سير الطعام جي في في القائمة أطعام، أطعام سير سير الطعام في القائمة، سير الطعام في القائمة. يوسف عامل ال عامل الطماطم، يشكر يخرج وموز تيشا. يوسف يشكر يوسف عامل الطعام ويخرج. عامل المطعم. عامل المطعم. موز وبرتقال الفاكهة، يا الفاكهة موز وبرتقال. ठीक أسير خبز، تو أسير وخبز وزب ومربى الفطور. أين تهمينا؟ ठीक है, अलफतोरु असीरु व खुब्जु व जुब्दु व मुरब्बा। जी यानी आप शुरू से आप बनाए जुमले। ठीक है, مطعم الفندق، مطعم الفندق أول في أول دور، يا في دور أول، مطعم الفندق في دور أول. करें करें सारे करें। ठीक बोला
تحلل في الدولة الهوز أتدلو في الهوز فوق القطة طاولة بلي تيبل کے نیچے اینی ٹیبل کے فوق اوپر القطة فوق طاولة قائمة قائمة الطعام على طاولة ٹھیک ہے جو کھانے کا مینیو ہے وہ ٹیبل پر ہے کھانے کا مینیو ٹیبل پر ہے سیر و تام فی القائمہ کھانے کی جو اور یوں بھی کہہ سکتی ہیں سیر فی القائمہ تو تام جو کھانے کی قیمت ہے وہ اس مینیو پر لکھی ہوئی ہے مطلب یوسف اس کا ویٹر کا شکریہ ادا کر کے اور باہر نکل گیا ہاں یوسف ویٹر کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور پھر باہر نکل رہا ہے فروٹ ٹھیک ہے موز و پرتقال آگے ہے اسیر خبز سوپ و مربع الفطور سر اس کو ناشتے کو کہتے ہیں الفطور ٹھیک ہے الفطور اسیر خبز سوپ اس کے درمیان واو لگا سوپ مکن اور مربع جیم مربع مربع جیم کو کہتے ہیں وہ بس جی زب مکھن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے اکمل کما فی النموذج مکمل کریں جیسا کہ مثال میں ہے تمینہ صاحبہ یہ مثال آپ ان دونوں کو سمجھائیں معلم استاد معلمی میرا استاد معلم کا کاف مذکر کے لیے آپ کا استاد معلم کے محمد کے لیے آپ کا شوکا کانٹا شوکتی میرا کانٹا شوکت کا آپ کا کانٹا شوکت کی آپ کا کانٹا ٹھیک جی آسیہ پہلے سے آپ کریں کمیز تو ہوگا کہ میرا کمیز تو کمیز ہی ٹھیک کمیز تو کا کمیز تو کا کمیز کمیز کا کمیز کی مطلب بھی بتایا کریں ساتھ آسیہ کمیز کا یہ مذکر کے لیے کہ آپ کا کمیز ٹھیک ہے کمیز صحیح اور
कमीज़ुकी आपका मोनस के लिए जी आपकी कमीज ठीक है। इब्रिक बर्तन को कहते हैं कैटल कैटल इब्रिक तो इब्रिकी इब्रिक इब्रिक कुका इब्रिकी ओके आपका इब्रिकी मेरा बर्तन इब्रिक कुका आपका बर्तन इब्रिक कुकी मोनस के लिए आपका आगे खूब रोटी खूब जी मेरी रोटी खूब का आपका आपकी रोटी ये मुज़क्कर के लिए और खूब जो की मोनस आपकी रोटी हुजरा कमरा हुजरे हुजरे हुजरी हुजरती मेरा कमरा हुजरत का आपका कमरा हुजरत की मोनस के लिए आपका कमरा बित्तीख तरबूज बित्तीखी मेरी मेरी तरबूज बित्तीख का आपका तरबूज बित्ती होगी मोनस के लिए आपकी तरबूज ठीक है। तुआविला मेज तुआविला ती मेरा मेज जी यानी आगे आप करें उंगली को कहते हैं ना ठीक है देखें सिंपल चीज़ है बहुत आसान चीज़ है कि हमने आखिर में या लगानी है हर लफ्ज़ के आखिर में या लगा देनी है लफ्ज़ वही रहेगा आखिर में हमने या लगा देना है बस लफ्ज़ में कोई तब्दीली नहीं करनी उस वो ई मेरी उंगली मतलब आगे और उसकी उंगली आपकी उंगली अच्छा, मर्द के लिए हम कहते हैं उस वो ऊ की आपकी उंगली औरत को हम कहते हैं उस वो ऊ की एक बार सुन लें दोबारा उस वो उंगली उस वो ई मेरी उंगली उस वो ऊ का आपकी उंगली मर्द को कहते हैं उस वो ऊ की आपकी उंगली औरत को कहते हैं आगे बाजू जीरा बाजू आपका बाजू जीरा ऊ का आपका बाजू ठीक है ठीक है ठीक है उका आपके शूज खिदा उकी और आपके शूज मतलब ठीक आई आई आपको कहते
सही है ना, आईनी आईने मेरी आंख आईनो की नहीं आईनो का आईनो का आप उसकी उस आपकी आंख आपकी आईनो की आप ठीक मिलता हूँ चाबी ठीक मिलता हूँ चाबी मिफ्ताही मेरी चाबी ठीक मिफ्ताहू मिफ्ताहू का मिफ्ताहू का आपकी। देखिए आप बार बार एक ही गलती कर रही हैं। का मतलब है आपका। मिफ्ताहू का आपकी मिफ्ताहू का आपकी चाबी चाबी एंड मिफ्ता मिफ्ताहू की आपकी चाबी ठीक चेहरा चेहरा कहते हैं ठीक है वजू चेहरा वज ही मेरा चेहरा ठीक है वज ही मेरा चेहरा वज वज ही वज हु का उसका चेहरा वज हु का फिर वही गलती वही पुरानी गलती कर रही है आपका चेहरा आपका चेहरा वज ठीक है। आगे अकमल कमा फिन नमूज मसाल तरह मुकम्मल करने जी तमीना समझाए मसाले ने सिक्कीन छुरी सिक्कीन हु भू मुजक्कर की उसकी छुरी सिक्कीन हा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है उसकी छुरी मिला का चम्मच मिल अकतु हु उसका चम्मच मिल अकतुहा उसकी चम्मच ठीक है। तो ये आप दोनों याद रखें कि हमने लफ्ज़ में कोई तब्दीली नहीं करनी। जब मर्द के लिए हम आखिर में हा लगा देंगे और हा और दम्मा लगा देंगे, जबकि औरत के लिए आखिर में हम हा फत्ता और अलिफ लगा देंगे। तो ये पॉइंट आप दोनों ने याद रखना है। जी आसिया शुरू हो जाए। जी खुब्ज रोटी खुब्ज हु अब उसकी रोटी ठीक मुजक्कर खूब जोहा मुअन्नस के लिए उसकी रोटी ठीक शिब्बा सही शिब्बा वर्ड मतलब क्या है खिड़की खिड़की शिब्बा कुहु मुजक्कर के लिए और शिब्बा कुहा मुअन्नस के लिए उसकी रोटी जीर मोती बटन जीरुहु बटन जीरुहु मुजक्कर के लिए और जीरुहा मुअन्नस के लिए यूज होता है बटन कल्ब कल्बुहु उसका दिल कुत्ता उसका कुत्ता ठीक है उसका कुत्ता और कलबू कलबुहा मुअन्नस के लिए यूज होगा मकतब टेबल मकतबुहु मकतबुहा ठीक है उस जमल ऊन ठीक है जी जमलुहु मुजक्कर के लिए उसका ऊन जमल जमलुहा मुअन्नस के लिए उसकी उसका उसका ऊन उसका ऊन ठीक है जी। यानी आगे आप पढ़ें जहाज बस रुकें किश्ती सफीना हो गलत सफीना कहते हैं जहाज को सफीना जहाज। देखिए लफ्ज़ में कोई तब्दीली नहीं करनी, बस आखिर में हा लगा देना है। सफीना तो हु सफीना
जहाज उसका जहाज। अच्छा सफीना ठीक। फातूरा कहते हैं रसीद, फातूरा रसीद। दूध कितना? आप इनको देखें आता हूँ जरा। आ रहा आ रहा। उसका उसकी लिस्ट रसीद, उसकी रसीद फतूरा तो हाँ उसकी रसीद। फाके हाँ तो फाके हाँ फ्रूट को कहते हैं जी। फाके किसको? फ्रूट फ्रूट फाके हाँ के हाँ तो उसकी उसके रसीद और फा के हाँ तो हाँ फल फल फ्रूट फा के हाँ तो हाँ उसका फ्रूट। सिन सिन कहते हैं दांत को ना, दांत सिन दांत सिन्नु हूँ सिन्नु सिन्नु हो सिन्नु मंदिर कहते हैं रुमाल 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 मंदिर लोहा मंदिर लोहू मंदिर लोहू मंदिर लोहा। नुकुत कहते हैं किसको? वो किसको? पैसे नहीं, नुकुत पैसे ये उसको कहते हैं यार। हाँ ठीक है, ये रकम, नकद रकम जी रकम जी नकुद पैसे रकम। ठीक है नकुद हो नकुद हाँ ठीक है जी। अल कलम अल किताब अल मक्तबी। अल कलम इसकी जगह हम बहुत अल कलम वल किताब अल मक्तबी। कलम और किताब जो है तो ठीक है। अशोक की राइट साइड है। जी आज ये पहले तीन आप करें। सिर्फ वॉल लगाना है इसमें? जी सिर्फ वॉल लगा के दोनों को मिला देना है। अशोक का ये कांटे को कहते हैं ना? ठीक है जी। अशोक वसीकीन अलग ताविला। कांटा और चूरी मेज पर है। ठीक। अलकमरु वशम्सु फिस समाए। कमर और चांद और सूरज आसमान में है। ठीक। अजवाबिर इंस्पेक्टर व अली अमाम मकतबुल इस्तिकबाल। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर और अली वो रिसेप्शन डेस्क के सामने खड़े हैं। हाँ रिसेप्शन डेस्क के आगे हैं। जी आनी आप आगे करें। ठीक मतलब काना दोपहर का खाना जी। दोपहर के खाने में सूप और गोश्त है। वलहम और गोश्त ये सूप को कहते हैं किसा? बिल्कुल जी। सूप और लहम गोश्त। फिल हाउस मां व समक मछली जी तालाब के अंदर है। तालाब में है। ठीक है तालाब में है। तालाब में पानी और मछली है। तहतल शरीरे इदा संदूक व संदूक। बैठ के नीचे शूज और संदूक। ठीक है
आगे अकमल कमा फिर नमूज अजी ये पढ़ें। यशरब तिफल हलीब असीर बुरतकाल, इसमें हम आओ लगाएंगे या, आओ का मतलब या। यशरब तिफलू पी रहा है बच्चा अल हलीब दूध, आओ असीर बुरतकाल या जूस जूस ऑरेंज जूस। ठीक है हलीब दूध को कहते हैं जी। जी खलील फजाल अव अविल हिस्वान फिल हदीका, क्या मतलब हिरन और घोड़ा फिल हदीका बाग में है। क्या हिरन या घोड़ा बाग में है। हिरन या घोड़ा जी आसिया आगे आप करें। जी हल मुश्त अव अव अल कमीस फिल अलमिकस महफजा अलमिकस। क्या कंगी मुश्त कंगी और या सीजर आओ या सीजर फिल महफजा बैग में है। ठीक मेकस कैंची की हाँ कैंची बैग में है। हल यह कुल तिफल अलमोज आओ अलबुर्तुकाल, क्या खा रहा है बच्चा बनाना या ऑरेंज। ठीक फिल 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 कफस हाँ फिल कफस में पिंजरा पिंजरे में असद शेर आओ फील या हाथी फिर हाथ हाथी यस सूरह फील हाथी। ठीक है हाथी। यरक यरक यरकब अजाब जाबितुल खिसान او الجمال جمل يركب جمل وہ يركب چڑھنا ہاں سوار ہونا سوار ہو رہا ہے انسپکٹر سوار ہو رہا ہے انسپکٹر گھوڑے پر یا جمل اون پر ٹھیک ہے آگے آدمی آپ کریں یوسف الطيور أو سمك الطيور أو سمك مطلب يأكلوا خانا يوسف يأكلوا خانا کھا رہا ہے يوسف کھا رہا ہے الطيور الطيور کہتے ہیں پرندوں کا گوشت جیسے مرغی پرندے کا گوشت سمک مچھلی کا یا او یا مچھلی کا अला का मतलब है पर मेज पर अला पर मेज पर फूल गुलाब का फूल गुलाब के फूल गुलाब का फूल लो लो आ मोती या मोती मेज पर गुलाब का फूल है या मोती है मोती यजरी तो अल कलब वरा अल कितन आउ जदु ये कुत्ता नहीं सॉरी कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है या कुत्ते के बच्चे के पीछे दौड़ रहा है। कुत्ते का बच्चा यूसुफ यशरबु शाही यूसुफ पी रहा है चाहे आओ केवा या कवा। यशरबु कमाल कमाल अलमा आओ शाही कमाल चाय पी रहा है या पी रहा है पानी या पानी या पानी। ठीक है अगले सवाल पे आ जाए। تدري بالتاسي أكمل كما في النموذج المطعم للفندق ريستورانت هوتل کے لیے ٹھیک مطعم الفندق هوتل کا ریستورانت ٹھیک ہے حذاء الحذاء لعلی جوتے علی کے لیے حذاء العلی ٹھیک ہے علی کے علی کا جی آسیہ کیا سمجھ تو آئے نا سر इसमें ये इसके लिए लाम लगाएंगे ना के लिए
जिस तरह की अलमतम उलफुंदो रेस्टोरेंट होटल के अच्छा लिए। पहले में हमने बताना है के लिए, दूसरे में का बताना है कि जो जूता है वो अली के लिए है, और दूसरे जुमले में हमने बताना है कि जूता अली का है, उसकी पोजीशन अरे शो तुमने तो करनी है। कैसे बताना है। देखें दुआ आसिया गौर से सुने, अल हिजा ओ ली अली, जूता अली के लिए है। ली जो हमने पढ़ा था वो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये किसी के लिए शो करना होता है, जबकि हमने दुरूस लुगतिल अरबिया में पढ़ा था कि पोसेशन शो करने के लिए हम जो चीज़ मलकियत में होती है उसके आखिर में हम दम्मा लगाते हैं, और जो दूसरी चीज़ होती है उसके आखिर में कसर लगाते हैं। तो फिर हम कह देंगे अल हिजा उ इन, सॉरी अलिफ लाम नहीं लगा सकते क्योंकि हिजा उसकी मलकियत में है, तो हम बोलेंगे हिजा उ अल अली, जूता अली का है। आगे अलहिजा ली अली तो हिजाउल ली अली हिजा ली अली उल ली अली, हिजा उल अली। हिजाउल हिजाउल अली जूता अली के लिए है। अली का है। अली का है। अल इब्रिक ली शाय दूसरा तो पढ़ें अल जरू लित्तिफल, क्या अल मतलब है इसका? जरू अलजरुल जरू जो पपी का नहीं जो पपी या पपी का नहीं कुत्ते कुत्ते का क्या कुत्ते कहते का हैं बच्चे को। हाँ मतलब इस जुमले का क्या बच्चे है? और बच्चा कुत्ते कुत्ते का का बच्चा इंसान के बच्चे बच्चे के के लिए लिए है, जो पपी है वो बच्चे के क्या लिए है। अजरू लतीफल, अच्छा पपी बच्चे के लिए है, यानी कि जो कुत्ते का बच्चा है वो इंसान के बच्चे के लिए है। अब आगे इसकी पोजीशन शो करें। अजरु लिट्टीफल इसका जवाब दें। सही कह रही है ना अजरु ये तो यहाँ पे लिट्टीफल लिखा हुआ है ना, अब नया जुमला आप खुद बनाएं। अभी देखें सर इसका जो बना लो आप गौर कि से सुने कुत्ते इसको, का देखें बच्चा बच्चे अलजरू लित्तिफल, जो कुत्ते का बच्चा है वो बच्चे के लिए है। अब हमने इसकी पोसेशन शो करनी है, तो उसके लिए हमें जरू के साथ सबसे पहले अलिफ लाम को हटा देना है, अगर नहीं हटाएंगे तो हमारा जुमला गलत हो जाएगा। अब ये लफ्ज़ बन गया जरू। इसी तरह आगे लित्तिफल है, तो हम एक लाम को हटा के अलिफ लगा देंगे, ये बन जाएगा अत्तिफली। तो जरू अत्तिफली, जो पपी है वो इन बच्चे के लिए अभी है, क्यों लगाएंगे इसलिए क्योंकि हमने ये दुरूस किसी लुगत अरबिया खांसी में आती ये है इसको चीज़ लाम पढ़ ली लगा थी देने के लिए। कि जब भी जो अरे एक ऊपर तो हमने नहीं मिनट हटाया सर हटाया है ना, तो गौर से जैसे सुने, कि एग्जांपल एक मिनट गौर से सुनने ना बात। सर जो चीज़ किसी का मालिक होता है वो ख़ास चीज़ होती है, और ख़ास चीज़ के लिए हम हमेशा अलिफ लाम लगाते हैं, ठीक है? अब इसमें जो तिफल है वो जरू का मालिक है, तो इसका मतलब है तिफल एक ख़ास चीज़ है, और तिफल के साथ हम अलिफ लाम लाजमी लगाएंगे। ये हमने दुरूस लुगत अरबिया के दूसरे सबक में ये बात पढ़ी थी। जरू अत्तिफली, सर इसको ऐसे पढ़ेंगे जरू तिफली हाँ जरू अजरू अत्तिफली। अतिफली अजरू नहीं है अल हटाना है ना सर जी साथ में जी बिल्कुल, जरू के और साथ हम अल नहीं लगा जरू सकते। और तिफल के साथ हमने अल लगाना है बिल्कुल जरू अतिफली। अगला आ जाए जरू अतिफली तीसरे का, आगे अनिया आप सर पढ़ें। अलबर अलवर्ता तो ले कमाल इसका आएगा वर्ता तो हो अल कमाल वर्दतुल वर्दतुल कमाली, इसके साथ वर्ता तो अल कमाल कमाली अल ठीक है। कमाले ले मतलब बताएं दोनों का। इसके साथ आखिर में फूल कमाल के लिए गुलाब का फूल, जो गुलाब का फूल है वो कमाल के लिए अच्छा
अल किताब अल किताब अल किताब लिस समीर मतलब ये था है किताब जो है वो समीर की है समीरा के लिए है इसका किताब अल समीरा ठीक है किताबु अल समीराती किताबु अल समीराती किताबु अल समीराती मतलब किताब समीरा की है समीरा की है की है आगे अल कमीस अल अल कमीस ली यूसुफ समीर अल कमीस अल यूसुफ कमीस सु अल यूसुफ कमीसु अल यूसुफी यूसुफी जो कमीज जो है वो यूसुफ की है ठीक है अच्छा अल अब्रीकु लिशाही इसका मतलब क्या है अब्रीक कहते हैं सर कैटल को और शाही चाय को मतलब चाय का बर्तन कैटल चाय के लिए है के लिए। ठीक है कैटली चाय के लिए अब इसका जवाब दें अब्रीको अशाही ठीक है क्या मतलब है अशाही जो चाय की है ठीक है जी आसिया अगला अल मकतबु लिल मुवज़्ज़िफ़ इसका मतलब बताएं जो मुवज़्ज़िफ़ है वो टेबल के लिए गलत मतलब है सही करें मुवज़्ज़िफ़ मीन वो ऑफिसर 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 के लिए ये टेबल है मेज ये ऑफिस है मेज ऑफिसर के ऑफिसर के लिए ठीक है मकतब अल अल मुवज़्ज़िफ़ मकतबु अल मुवज़्ज़िफ़ी अल मुवज़्ज़िफ़ी अल मिज़ाना लिल मस्जिद मेज़ना अल मस्जिद मस्जिदी अल मस्जिदी ठीक है अल उश लिताइन तो सर मेज़ना किसको कहते हैं मीनार ठीक है उश अत्तायरी सही है क्या मतलब इसका घोंसला परिंदे का है घोंसले को परिंदे का है अच्छा अल खुबल लिसफीना खुबल असफीना की खुबल असफीना अल रस्सी जी रस्सी को सफीना जहाज आगे बस नागे के ना अच्छा अल उजन लिर रजुल उजनो अर राज अर रजुल कान कान जो है वो मर्द के लिए मर्द के अर रजुली ठीक है अब आगे है तदरीब अच्छा एक कोशिश किया करें कि एक हाथ में एक बंदा बोले क्योंकि जब इकट्ठे दो तीन बोलते हैं ना फिर वो खिचड़ी सी बन जाती है तो कोशिश किया करें एक जब अपनी बात मुकम्मल कर ले फिर दूसरा बोले जी तमीना आप इनको ये मसाल समझाएं मेरे यहाँ से मैं यहाँ से आज के लिए बस करते हैं कल इसको हम शुरू करेंगे बस थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूँ सवाल कल ये सवाल हम दोबारा करेंगे दसवां सवाल तो अरबी में तीन टेंस होते हैं पहला होता है एक होता है माजी एक होता है मुजारे और एक होता है अमर तो पहला जो कमाल यकरा हो ये मुजारे है मुजारे हम प्रेजेंट टेंस को भी कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भी कहते हैं
यानी कि हाल और मुस्तकबिल को मुजारे कहते हैं। तो इसकी निशानी यही है कि इसके शुरू में या तो या होता है या ता होता है। तो यहाँ पे अब मर्दों की बात हो रही है इसलिए उन्होंने या लगाया हुआ है। कमाल य कमाल यकरऊ, कमाल यशरबू, कमाल यजलिसु, कमाल यदहकु, कमाल यदखुलु। तो इसका मतलब है ये मुजारे टेंस है और मुजारे प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए होता है और यहाँ पे ये सब प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, कल हम इसको पढ़ेंगे। फिर दूसरा है माजी। माजी को आप उर्दू में भी माजी कहती हैं और इंग्लिश में पास्ट टेंस कहती हैं। कमाल करा आ, कमाल शराबा, कमाल जलासा, कमाल दहाका, कमाल दखाला, कमाल रकबा, कमाल खराजा। तो ये टेंस आपने याद रखने हैं, कल आपने करने हैं। निशानी आप याद रखें कि इसके आखिर में फ़तह है इन सब में, जैसे भी मैंने पढ़ा है। फिर तीसरा है अमर। अमर का मतलब है हुक्म देना। तो ये हुक्म का मतलब है, इकरा का मतलब है पढ़ो। तो कोई भी मर्द औरत होगा उसको मैं कहूँगा इकरा। फिर इशरब पियो, इजलिस बैठो, इधक हसो, उदखुल दाखिल हो, इरकब इद इद खुल है, ये लफ्ज़ है इद खुल, इरकब, इखरुज, उक्तुब, इतबुख, उदफा, उशकुर। तो ये हम सब खैर इसको तफसील से इंशाल्लाह कल ही पढ़ेंगे। तो ये आपने पॉइंट याद रखने, कल यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।